फ्रेंड्स, मैं सपना कश्यप सपना क्राफ्ट्स में आपको क्रोचेट से कैसे बटरफ्लाई हम बना सकते हैं वो सिखाने जा रही हूँ आपको। मैंने जैसे पहले बोला था कि मैं सबसे पहले मोटिव पर बनाना सिखाऊंगी, फिर उसका यूसेज हम अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे हमारी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से मैं आपको बताती जाऊँगी कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये डबल प्लाई का जो यार्न है वो लिया है वूल का, और आप अगर चाहें तो आप कॉटन यार्न भी ले सकते हैं, जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो आप वैसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कैसे बटरफ्लाई को हम बना सकते हैं। बटरफ्लाई भी जो है वो बहुत तरह से बन सकती है, पर आज आपको मैं इस ढंग से बटरफ्लाई बनाना सिखा रही हूँ। इसमें हम क्या करेंगे कि पहले सबसे पहले हम 7 चेन देंगे, और ये जो थोड़ी सी टेल है हमारी फर्स्ट वाली, ये जो मैंने इसमें दिखाती हूँ, ये जो टेल है ये थोड़ी मैं लंबी रखूँगी, ये हमारा एंटीना बनेगा बटरफ्लाई का। तो हम 7 चेन डालते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब भी हमने टर्न करना होता तो फर्स्ट चेन हम छोड़ देंगे, सेकंड चेन में हम हुक कोड इंसर्ट करेंगे। तो पहले 2 चेन में हम स्लिप स्टिच लेंगे, 1 स्लिप स्टिच लिया, अब उससे नेक्स्ट चेन में भी हम स्लिप स्टिच लेंगे, ये दूसरा स्लिप स्टिच लिया, अब उससे नेक्स्ट की जो 4 चेन बची हैं उसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। ये हमने सिंगल क्रोशिया 4 बार सिंगल क्रोशिया से बनाया, और 2 बार जो है वो हमने स्लिप स्टिच डाले हैं इसमें। तो ये जो बटरफ्लाई का ये सेंटर का पोर्शन है ये बनके हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम कैसे बंद करेंगे, यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, और जो बॉल वाला यार्न है उसको निकाल देंगे खींचकर। तो अब हमारे ये बटरफ्लाई के 2 एंटीना जो हैं वो ये हमारे बन गए हैं। इनको हम ऐसे बराबर काट देंगे, ऐसे देखने में ये ऐसे होगा, सेंटर पोर्शन जो बटरफ्लाई का बीच का हमारा पोर्शन है वो हमारा ऐसा लगेगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, अब इसके पंख बनाएंगे बटरफ्लाई के। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो एंटीना के 7 वाला चेन है इसमें से हम हुक को डालकर जो सेकंड हमारा कलर है यार्न इसका पंख का, उसको हम ऐसे हुक से खींचेंगे, और यहाँ पर हम नौ चेन डालेंगे, 1 डल गई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये मैंने 9 चेन डाल दी हैं। अब इससे आगे हम कैसे बढ़ेंगे, अब हम क्रोशिया हुक पे 4 बार जो है वो यार्न को लपेटेंगे, 1, 2, 3, 4, ये 4 बार हमने हुक पे लपेट दिया। फिर हम यहीं पे इंसर्ट करेंगे हुक को, और ऐसे फिर 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 और ये 2 का 1, ये हमने 4 बार लपेट कर 1 जो है वो डंडी डाल दी है। और फिर हम 3 बार लपेटेंगे, फिर यहीं पे इंसर्ट करेंगे, फिर ऐसे करेंगे 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 और ये 2 का 1।
फिर से हम तीन बार लपेटेंगे। तो तीन बार लपेट कर हम तीन जो डंडियां हैं वो डालेंगे, दो का एक, दो का एक, दो का एक और ये दो का एक। चार बार हमने जो लपेटा था उससे हमने एक डंडी बनाई, तीन बार लपेट के हम चार डंडियां बनाएंगे। तो दो मेरी बन गई हैं, उससे आगे ये तीन बार लपेटा, फिर हमने ऐसे दो का एक, दो का एक, दो का एक और ये दो का एक, ये तीन डल गई। अब एक और डालेंगे, तो ये दो का एक, दो का एक, दो का एक और ये दो का एक, ये मेरी चार डल गई हैं। ये जो बटरफ्लाई का बड़े वाला पंख होता है वो बन रहा है। अब हम पांच बार इसमें चेन डालेंगे, तीन तीन चार और ये पांच चेन डाल के यहाँ पे हम इस वाले पंख को बंद कर देंगे स्लिप स्टिच से, ये स्लिप स्टिच से। फिर हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट वाली चेन में इंसर्ट करेंगे हुक को और फिर हम नेक्स्ट वाली चेन में इंसर्ट करके फिर हम जो है स्लिप स्टिच से ही स्टार्ट करेंगे। फिर हम पांच चेन डालेंगे क्योंकि ये वाला पंख छोटा है, तो इसमें हम नौ चेन डालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम पांच चेनें डालेंगे। एक डल गई, दो, तीन, चार, पांच। अब फिर तीन बार लपेट कर फिर ये हमने एक डंडी बनाई, फिर तीन बार लपेटा, फिर वहीं पे इंसर्ट किया हुक को, फिर ये दूसरी हमने डंडी बना दी, फिर से तीन बार लपेटा, फिर वहीं इंसर्ट किया, फिर ये हमारी तीसरी डंडी बन गई। यहाँ पे हम ये तीन ही डंडियाँ बनाएंगे क्योंकि ये पंख जो है वो हमारा छोटे वाला पंख बन रहा है। अब तीन बार डाल के पांच चेन हम फिर से डालेंगे, दो, तीन, चार और पांच, और इस पंख को भी यहाँ पे हम बंद कर देंगे उसी उसमें डालकर स्लिप स्टिच से हम इसको बंद कर देंगे। ये देखो ये हमने यहाँ पे ये बंद कर दिया। अब एक साइड के ये बटरफ्लाई के पंख बन गए हैं, अब हमने दूसरी साइड को शिफ्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो चेन ले डाल देंगे, दो चेन डाल के ये अब इस साइड को हम जो बटरफ्लाई का जो सेंटर वाला पोर्शन है उसके नीचे से हम ये दो चेन ऐसे ऐसे ले आएंगे, ऐसे हम ले आए और तकरीबन उसी जगह पे हम क्रोचेट हुक को इंसर्ट करेंगे। यहाँ जैसे ये यहाँ जैसे हम क्रोचेट हुक को फिर से यहाँ इंसर्ट कर, अब यहाँ पे हम ले आए हैं इसको, तो यहाँ पे ये वाली लूप जो है हम यहाँ पे इस लूप को हम छोड़ रहे हैं। अब क्रोचेट को हम सेकंड वाली चेन में इंसर्ट करेंगे यहाँ पे और इस लूप को इस क्रोचेट में डाल देंगे और यहाँ से ऐसे इसको खींच देंगे। अब यहाँ से हम इस वाली साइड के जो विंग्स हैं, जो इसके पंख हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये पहले हमने इस साइड वाला बड़ा बनाया था, इस फिर छोटा बनाया था, अब हम छोटा बनाएंगे पहले फिर बड़ा बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पांच चेन डालेंगे, दो, तीन, चार, पांच। पांच चेन डालने के बाद हम हुक पे यार्न को तीन बार लपेटेंगे, ये तीन बार लपेट दिया, फिर यहीं पे हम इंसर्ट करेंगे दो का एक, दो का एक, दो का एक और ये दो का एक, फिर से हम तीन बार लपेटेंगे। इस तरह हम तीन डंडियां डालेंगे, तो एक मैंने डाल दी है, अब मैं दूसरी डाल रही हूँ, तो ये दो का एक, दो का एक, दो का एक, दो का एक, ये तीसरी मेरी
डल रही है। ये फिर से दो का एक, दो का एक, दो का एक, दो का एक, तो ये मैंने तीन बार डाल दिया है। अब यहाँ पे हम इसको बंद करेंगे। पहले पांच चेन डाल देंगे, तीन चार पांच। तो ये बटरफ्लाई की दूसरी साइड का छोटा वाला जो पंख है वो हमारा बन रहा है। ये यहीं पे हम स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देंगे। ये छोटा वाला पंख जो है वो यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से बंद कर दिया। अब बड़े वाला पंख जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। वो उसके लिए भी हम आगे नेक्स्ट वाली चेन में जाएंगे, फिर स्लिप स्टिच लेंगे और हम ऐसे कर देंगे। अब आगे फिर हम पांच चेन लेंगे, तीन चार और ये पांच। पांच चेन लेके तीन बार हम लपेट कर फिर एक, दो का एक, दो का एक, दो का एक, दो का एक। तो ये जो तीन बार लपेट कर हमने जो ये डंडियां डाली हैं, ये बड़ा पंख है, ये चार बनाएंगे। यहाँ पे हम एक डाल दी है, तीन और डालेंगे इस चेन वाली डंडी के अलावा। ये तीन बार लपेट कर जो डंडी बना रहे हैं हम, ये हमने इन टोटल चार डंडियां बनानी हैं। एक डल गई है तो ये अब हम, मैं दूसरी बनाती हूँ। ये दो का एक, दो का एक, दो का एक, ये दो बन गई। ये तीसरी बन गई, दो का एक, दो का एक, दो का एक और ये दो का एक। ये चौथी डल गई, दो का एक, दो का एक और ये दो का एक। अब क्योंकि ये बड़ा वाला पंख है बन रहा है हमारा, तो इसमें हमने थोड़ा एक जो डंडी है वो बड़ी चार बार लपेट कर जो बनती है वो वाली बना भी डालनी है। तो इसमें हमने एक डंडी चार बार लपेट कर बनानी है, तभी ये जो पंख है वो छोटे वाले से अलग दिखेगा। ये दो का एक, दो का एक, दो का एक, दो का एक, ये दो का एक। अब लास्ट में हमने यहाँ पे ये वाला पंख जो था वो नौ चेन से स्टार्ट किया था, तो ये बंद भी कंप्लीट भी हम नौ चेन से करेंगे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। अब ये नौ चेन डाल के यहाँ पे हम जो है वो स्लिप स्टिच से इसको कंप्लीट कर देंगे, बंद कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ये हमारा ये, अब इसके जो हमने ये यार्न है ये फिनिशिंग टच देने के लिए यहाँ से हम इसको सीजर ध्यान से काटें कि एंटीना ना कटे इसका, और इसको भी हम ऐसे क्रोचेट से अपने क्रोशिया हुक से हम इसको इस वाले जो तेल को हम इसमें पिरो देंगे। रोडिया और फिर इसको सीजर से काट दिया। अब ये हमारी जो है वो बटरफ्लाई जो बन के तैयार हो गई है।
इसके एंटीना में थोड़ी स्टिफनेस लाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, ये जो ट्रांसपेरेंट वाला नेल पेंट होता है या ग्लू, कोई भी ग्लू हो वो आप लगा सकते हैं, और फिर जब ये सूख जाएगा तो ये थोड़ी सी एंटीना में स्टिफनेस आ जाएगी, तो ये फिर वो स्ट्रेट दिखेंगे। जैसे जैसे ये सूख जाएगा ये थोड़ा सा ये वेट है, तो देखिए ये हमारी प्यारी सी बटरफ्लाई बन के तैयार हो गई है। इस तरह हम छोटे छोटे मोटिफ बनाकर कई जगह पे यूज कर सकते हैं, बच्चों के स्वेटर्स बनाएं। तो जैसे मैं आगे आगे बनाऊंगी फिर मैं आपको ये लगा के दिखाऊंगी कि कैसे कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। सिर्फ बटरफ्लाई नहीं, फिर हम एक पूरा एक पैटर्न तैयार कर सकते हैं जिसमें हम बटरफ्लाई हो, फ्लावर्स हो, तो वो हम वैसे वैसे हम यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये बहुत प्यारी लग रही है, कलरफुल सी बटरफ्लाईज, और इनका यूसेज मैं आपको टाइम टाइम पे बताती रहूँगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा बटरफ्लाई पे क्रोचेटिंग मोटिफ पे जो मैंने ये वीडियो ट्यूटोरियल बनाया है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। थैंक्स once again.